हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो रिगार्डिंग डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। सो पिछले वाली वीडियो में नहीं बताया था, इस वाली वीडियो में बता देता हूँ। तो बहुत सारे वेरियंट्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, सो दैट डिफर्स इन वे द स्टेप स्टेप साइज और लर्निंग रेट इज चूजन एंड द वे द अपडेट आर मेड। So here are some popular variants I will tell you. First is batch gradient descent. Gradient descent हो गया। So batch gradient descent क्या है? इसके अंदर to update the model parameter value like weight and bias, as we studied so far, the entire training data set is used to compute the gradient and update the parameters at each iteration. इसके अंदर है ना पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो यूज करते हैं हम ग्रेडियंट को कंप्यूट करने के लिए, और फिर बाद में उसी की मदद से हम अपडेट करते हैं पैरामीटर को हर एक इटरेशन के अंदर। दिस कैन स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट्स बट मे लीड टू अ मोर एक्यूरेट मॉडल। देखो यार, अगर लार्ज डेटा सेट की बात करेंगे तो बहुत स्लो कर देगा, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट डेटा सेट या डेटा मॉडल आपको निकाल के देगा। बहुत ही एफिशिएंट है कॉन्वेक्स के लिए या फिर रिलेटिवली स्मूथ एरर मैनिफोल्ड्स के लिए, बिकॉज इट मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि डायरेक्टली मूव करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए की तरफ किस बाय टेकिंग अ लार्ज स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। कि ये लार्ज स्टेप ले रहा है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है ना तो लार्ज स्टेप्स लेके चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम को बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर कॉन्वेक्स के अंदर ये इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट बिकॉज इट कंप्यूट्स द ग्रेडियंट एंड अपडेट द पैरामीटर्स यूजिंग द एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट एट ईच इटरेशन। सो दिस कैन रिजल्ट इन लॉन्गर ट्रेनिंग टाइम्स एंड हायर कंप्यूटेशनल कॉस्ट्स। सो बैच ग्रेडियंट सिस्टम के लिए आपका जो सिस्टम होना चाहिए मिनिमम, यार i7 से तो नीचे की बात ही मत करो, आप कम से कम i7 या फिर बाद में वर्क स्टेशन के साथ में आप जाओगे अगर लार्ज डेटा सेट में काम कर रहे हो तो। अगला है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक GD बोल दो इसको, ग्रेडियंट डिसेंट को बार बार लिखना पड़ रहा है यार, तो इसको GD बोल देता हूँ। SGD in SGD only one training example is used to compute the gradient and update the parameter at each iteration. सिर्फ एक ही example के साथ में हम ये हर एक iteration में कर रहे हैं, सारा data set use करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक example के साथ में। This can be faster than gradient batch gradient descent but may lead to more noise in the updates. So जब आप update कर रहे हैं तो बहुत noisy हो सकता है, क्योंकि यार ये देखो time ले रहा है, कंप्यूटेशन ज़्यादा ले रहा है लेकिन एक्यूरेट दे रहा है, मॉडल काफ़ी एक्यूरेट दे रहा है, ये टाइम कम ले रहा है स्टोकेस्टिक जो GD है, लेकिन यार इसके अंदर प्रॉब्लम वही है कि ये नॉइजी होगा, जो टाइम कम लेगा वो नॉइजी होगा। फिर मिनी बैच, देखो मिनी बैच के अंदर मान लीजिए कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो कम हो जाएगा, तो इन मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट स्मॉल बैच ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स इज यूज टू कंप्यूट द ग्रेडियंट एंड अपडेट द पैरामीटर एट ईच इटरेशन। तो छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर दिया भाई, ट्रेनिंग डेटा को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर दिया, हर एक इटरेशन में हम थोड़ा थोड़ा डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए। दिस कैन बी गुड कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। उनके बिटवीन अपनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि यार कोई बीच का कारोबार लेके आए, यार वो तो ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता है और ये भाई साहब एकदम से रो देता है, तो इसके बीच का कोई सिस्टम लेके आओ, तो उसके लिए हमने लेके आए मिनी बैच वाला सिस्टम। फिर अगला है हमारा मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट। इन मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम इज अ वेरिएंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट दैट इनकॉर्पोरेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस वेट अपडेट्स टू हेल्प द एल्गोरिदम कवरेज फॉर मोर क्विकली टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। मोमेंटम एड्स अ टर्म टू द वेट अपडेट दैट इज प्रोपोर्शनल to the running average of the past gradient, ठीक है, that allowing the algorithm to move more quickly in the direction of optimal solution. The updates to the parameters are based on the current gradient
एंड द प्रीवियस अपडेट्स। जो अपडेट्स है ना पैरामीटर्स के, वो करंट ग्रेडियंट के ऊपर भी और प्रीवियस अपडेट के ऊपर भी, दोनों के आधार पे होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मोमेंटम बेस्ड, मोमेंटम बेस्ड बोलते हैं इसीलिए इसको। दिस कैन हेल्प प्रिवेंट द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम गेटिंग स्टक इन लोकल मिनिमा एंड रीच द ग्लोबल मिनिमा फास्टेस्ट। सो देखो, अगर हम मान लीजिए कि कहीं लोकल मिनिमा में फंस गए, तो उससे निकलने के लिए हमें मोमेंटम बेस्ड काम में आता है भाई, मोमेंटम। बेस्ड जीडी। तो ये अपना किस तरीके से पैरामीटर को अपडेट करता है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये अपडेट करता है पैरामीटर को बेस्ड ऑन करंट ग्रेडियंट, जो आपका करंट ग्रेडियंट है, और जो लास्ट के अपडेट्स, जो प्रीवियस अपडेट्स आपने दिए थे, ठीक है। सो आपको प्रीवियस अपडेट्स को भी ध्यान में मद्देनजर रखना है, और अभी के जो ग्रेडियंट्स हैं उनको भी, उनके अंदर ये देखते चलना है कि क्या यार यही मिनिमम है, ये मतलब इनमें से सबसे मिनिमम यही है क्या, या फिर कुछ और भी मिनिमम हो सकता है, या फिर आगे चलकर कुछ मिनिमम हो सकता है। क्योंकि अपनों को लोकल मिनिमा में नहीं घुसना है, लोकल मिनिमा में अपनों को नहीं घुसना है, तो इसीलिए ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचने के लिए ये जो सबसे फास्ट टेक्निक हमारे पास में है, ठीक है। फिर अगला है अपना नेस्ट्रॉफ एसिलरेटेड ग्रेडियंट, जिसको हम नाग भी बोलते हैं, नाग। नाग, नेस्ट्रॉफ, नेस्ट्रॉफ एसिलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट। सो नैग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट ओनली। इट इवेल्युएट्स द ग्रेडियंट एट अ हाइपोथेटिकल पोजिशन अहेड ऑफ द करेंट पोजिशन बेस्ड ऑन द करेंट मोमेंटम वैक्टर इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग ग्रेडियंट एट करेंट पोजिशन। मतलब कि भाई साहब, वो कोई हाइपोथेटिकल मतलब पोजिशन ढूंढेगा, जो करेंट पोजिशन है उसके अहेड कोई हाइपोथेटिकल पोजिशन ढूंढेगा, करंट मोमेंटम जो वेक्टर है उसका, मतलब अभी जो करंट पोजीशन है उसके आधार पे नहीं, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस बनाएगा और उसका ग्रेडियंट ढूंढने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो जिससे कि ये उसका एक्सटेंशन है, ये फिर मतलब उसी चीज को मिनिमम तक रीच करने के लिए काम में आता है। दिस कैन रिजल्ट इन फास्टर कन्वर्जेंस एंड बेटर परफॉर्मेंस। उसी का ही है यार, उसी का ही एक्सटेंशन पार्ट है। फिर अपना सिक्स्थ पार्ट है ए जी आर ए डी, अडार्ड, 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 अडार्ड लग रहा है भाई। इन दिस वेरिएंट द लर्निंग रेट इज अडेप्टिवली एडजस्टेड फॉर ईच पैरामीटर बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इस जो वेरिएंट में है, जो लर्निंग रेट है वो लर्निंग रेट अपडेट हो रही है यहाँ पर। अब देखिए आप, जो हिस्टोरिकल ग्रेडियंट की जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे, मतलब कि लगातार लर्निंग जो रेट है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। लास्ट वाले में लर्निंग अपडेट्स को हम अपडेट नहीं कर रहे थे, वो एक कांस्टेंट कैसे ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लर्निंग रेट को भी मतलब अपडेट कर रहे हैं। ये अलाउ करता है लॉन्गर अपडेट्स को फॉर इनफ्रीक्वेंट पैरामीटर्स एंड स्मॉलर अपडेट्स को फॉर फ्रीक्वेंट पैरामीटर्स। जो मतलब इनफ्रीक्वेंट पैरामीटर्स है उसके लिए तो लॉन्गर अपडेट्स रखता है, और स्मॉलर अपडेट करता है फ्रीक्वेंट पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अगला अगला अपना है आर एम एस प्रॉप, ठीक है, आर एम एस प्रॉप, इसको प्रोपेलर बोल सकता हूँ मैं। सो इन दिस वेरियंट द लर्निंग रेट इज अडेप्टिवली एडजस्टेड फॉर ईच पैरामीटर बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट। जो मूविंग एवरेज है, जो अभी तक का जो एवरेज आया है, ग्रेडियंट आया है, उसका अपन स्क्वायर्ड वो निकाल लेते हैं, स्क्वायर्ड एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके आधार पे हम इसको लर्निंग जो पैरामीटर है, जो लर्निंग रेट है, उसको हम एडजस्ट करते रहेंगे। ये हेल्प करता है एल्गोरिदम को टू कवरेज फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइजी ग्रेडियंट। जो नॉइजी ग्रेडियंट है उसकी प्रेजेंस में हम ये फास्टर आपका वो करेगा, मूव करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर है एडम, लास्ट है एडम। आरएमएस से तो आप ये समझ जाओ कि रूट मीन स्क्वायर प्रोपेलर वो वाला, मतलब देखो यार इससे कुछ आया नहीं, लेकिन मैं याद करने के लिए रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन इस तरीके से याद करने के लिए इसको टेक्निक बना लो एक, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कहते हैं ना अपन, सो उसी तरीके से।
एडम, सो एडम स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, ठीक है। इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट, अडाग्ड और आरएमएस प्रोपेल, इन तीनों के ही अब इसके अंदर है ना वो है। सो ये मोमेंटम वाला तो क्या कर रहा है कि मोमेंटम मतलब अभी जो मोमेंट है आपका, इस मोमेंट के ऊपर वो उसको क्या कर रहा है कि पिछले वाले से लर्न कर रहा है, पिछले वाली चीजों से लर्न कर रहा है, उसके आधार पे वो ज्यादा ज्यादा आगे अपने आप को अपडेट कर रहा है, ठीक है, वेट को और बायस्ट को। तो इससे हम जो लोकल मिनिमा में फंस जाते हैं लर्निंग में, तो वो नहीं होगा। देखो लोकल मिनिमा क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका ये है और असल में यहाँ पहुंचना है अपना इस जगह पर, और अपन पहुंच गए, अरे वाह अपन तो मिनिमम पे पहुंच गए, लेकिन असल में ये इसके कंपैरिजन मिनिमम है, इसके कंपैरिजन तो मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट किया अपनों ने मोमेंटम वाली से। फिर बाद में अडाग्ड में, अडाग्ड में अपनों ने क्या किया कि भाई साहब हमने हिस्टोरिकल ग्रेडियंट की मदद से इसके पैरामीटर्स को, जो अडेप्टिव रेट लर्निंग रेट है उसको अडेप्टिवली एडजस्ट किया, ठीक है। और फिर बाद में इसके अंदर एडम वाला भी, एडम के अंदर ये आरएमएस वाला भी फैक्टर आ गया। आरएमएस के अंदर हमने क्या किया, जो मूविंग एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट है उसके आधार पे हमने उसको एडजस्ट किया इसकी लर्निंग रेट को। लर्निंग रेट वो जो ये है ना अल्फा आपका, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। सो इसके जो ये है इसके अंदर ये सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया है, ठीक है। विच अलाउ अस फॉर फास्टर कन्वर्जेंस एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑन नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इट कीप्स ट्रैक ट्रैक ऑफ टू एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग एवरेजेस, द फर्स्ट मोमेंटम एस्टिमेट विच इज एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग एवरेज ऑफ पास्ट ग्रेडियंट्स, एंड सेकेंड मोमेंट एस्टिमेट हो गया विच इज एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग एवरेज ऑफ पास्ट स्क्वायर्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई हमारे पास में, सेकेंड मोमेंट एस्टिमेट हो गया और एक फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट हो गया। पहला तो फर्स्ट मोमेंट तो है वो है एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग, जो एवरेज ऑफ पास्ट ग्रेडियंट है उसके आधार पे, और सेकेंड है जो एक्सपोनेंशियली डिक्लेइंग कर रहा है एवरेज ऑफ पास्ट पास्ट स्क्वायर्ड ग्रेडियंट। यहाँ पर स्क्वायर्ड है और वहां पर एवरेज है, ठीक है। सो द फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट इज यूज टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड द सेकेंड मोमेंट एस्टिमेट इज यूज टू स्केल द लर्निंग रेट फॉर ईच पैरामीटर। पहला तो मोमेंटम के लिए हो गया और दूसरा है कि लर्निंग रेट फिक्स करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम फॉर डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, एडम। एडम सबसे मोस्ट पॉपुलर हो गया हमारे पास है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो बताइए यार अभी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड लर्निंग, गुड लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।